गोरखपुर में यातायात माह को लेकर एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने बताया कि यातायात माह के तहत लोगों को जागरूक किया गया है, साथ ही स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि आम जनमानस को नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैली के जरिए ट्रैफिक नियमों का पालन करने का सीख दी गई है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों को ITMS सेंटर के जरिए हिदायत भी दी गई है। SP ट्रैफिक ने बताया कि यातायात माह के तहत करीब 2.5 करोड़ रुपए का चालान किया गया है। आगे भी लोगों को जागरूक करने और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने कहा, अभी नवंबर महीना जो था यातायात माह के रूप में मनाया गया, जिसमें लोगों को बेसिकली जागरूक किया जाना था और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न स्कूलों में आयोजित किया गया, रैली के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया गया, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, हमारा जो ITMS का कंट्रोल रूम है वहां से अनाउंस करके लोगों में को जागरूक किया गया। इसी तरह तमाम तरह से लोगों को अवेयर करने के लिए जो है कि कार्यक्रम चलाए गए हैं, और ये जो उसके बावजूद भी जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं यातायात नियमों का, उनके खिलाफ जो है कि यातायात नियमों के तहत कार्रवाई भी की गई है। इसी तरह से ये कार्यक्रम आगे भी किए जाते रहेंगे, और अभी जो यातायात पुलिस द्वारा एक बढ़िया काम किया जा रहा है, जैसे लोगों के सामान बैग या किसी वाहन या ऑटो में छूट जा रहे हैं तो ITMS के कैमरों के माध्यम से उनकी भी तलाश करके जो है कि लोगों की तरफ मदद की जा रही है, उनको दिया जा रहा है। सर, इस दौरान अगर किसी इमरजेंसी सूचना पर कोई ग्रीन कार्ड रोड की व्यवस्था कराई जाती है? जी, यहाँ पर जो है कि जैसे आपको जिला अस्पताल किसी एम्बुलेंस को जाना है, किसी मरीज को जाना है जिला अस्पताल या BRD मेडिकल कॉलेज जाना है या एम्स जाना है, तो ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था यातायात पुलिस द्वारा की गई। अगर कोई सूचना देता है तत्काल हम उसे ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध कराते हैं और मरीज को जल्द से जल्द जो है कि संबंधित अस्पताल में पहुँचाते हैं।